Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today, I have a very highly respectable personality. He had been in Radio Pakistan for a few years, so I must say he has a wonderful voice. But he is a great poet, educationist, drama writer, and script writer. Yes, I'm talking about Professor Ali Dar. As Salaamu Alaikum. Wa Alaikum Bushra. I'm good, sir. Welcome to Sama Podcast. -shukriya. Badi aap ki. how do you balance all those educational, uh, even being in Radio Pakistan?

Hmm. इस तरह ये ये जो इंसान है ना ये भी अल्लाह ताला की तखलीक है अल्लाह ताला ने आल इंसान को ये और अल्ला हैं और उस पर ये परम किया है कि वो बहुत सी चीज़ों को एक वक्त में मैनेज कर सकता है राइट राइट ये तो बिल्कुल ठीक बात की आपने तो ये बताया जब हम बात करते हैं आपकी शायरी की तो क्या बचपन से ही आपको शायरी का शौक था या पहली बार शायरी की आमद कब हुई ये एक्चुअली ना आमद तो ऐसे ही बस स्कूल लाइफ में हल्का फुल्का होता था लेकिन जब मैं टीन एज में आया तो थोड़ा सा घर में क्योंकि मेरे फादर अदब से उन कपड़ा लगाओ था बहुत से शौरा को वो पढ़ते थे टी वी पर बहुत से प्रोग्राम इस तरह शायरी के लगते थे तो बड़े क़ो शौक़ से देखे जाते थे वाली साहब का ये मिजाज था अदब से मौसीकी से और आर्ट से बहुत ज़्यादा था तो शायद उस वजह से हमारे अंदर भी वो आया लेकिन ये आ, वहाँ से आना तो एक एक नेचुरल था लेकिन कुदरत की तरफ से भी आपको कुछ अता होती है और उसमें मैं समझता हूँ कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं बड़ा अकलीदी रोल कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे मेरे दोस्त स्पेशली बहुत मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनका उनका भी मिजाज ऐसा था तो उनकी एक आप कह लें कि अप्रिसशन है आ, मैं उसमें कोई दो राय नहीं, नहीं कि आपका सर्कल भी शायराना है। आ, शायराना है शायर आना है कोई ऐसे दोस्त मिल गए कि जो मेरे साथ उन्होंने मुझे इस तरफ राघव किया और बाकी सलाहित अल्लाह देने वाला तो ये बताएं आपको अपनी पहली शायरी याद है पहली आमद कब कबूल देखियो आमद तो मुख्त टूटी फूटी होती थी वो तो अलफिनार भी बकरी शुरू होती <laughs> है आपको पता ही शुरू से ही तो उसमें जो शुरू शुरू में जो शायरी की उसमें जो मैंने पहला जो एक लिखी और दिखाई दोस्तों को उस को भी कि वो जो मेरी गज़ल थी बड़ी आपने सुनी भी होगी और मैं अभी भी उसको पढ़ता हूँ इंसान को अबतदाई शायरी को भूलना नहीं चाहिए ठीक है ना और उस उसबार से अगर देखा जाए तो चालाकी से सिर्फ खसारे होते हैं चालाकी से सिर्फ खसारे होते हैं hmm. सादा लोग ज़्यादा प्यारे होते wow, हैं wow, wow, wow. ये सादा आप खुद को भी समझ सकती है थैंक यू और ये जो शायरी थी ये स्पेसिफिक ये, ये, ये आपकी पहली, पहली इब्तदाई दौर में जी और उसकी मेरी उसकी मेरी जोड़ी बिल्कुल ऐसी है उसकी मेरी जोड़ी बिल्कुल ऐसी है जैसे कहले चांद सितारे होते वा, हैं वा, वा। और सूरज बादल से बाहर आ जाता है सूरज बादल से बाहर आ जाता है जब जब उसने बाल सवारे होते वा, हैं वा, वा, वा। और मैं दोबारा पूछूंगी कि ये उन्हीं इशार में से है जो आपको आप किया। अल्फाज तो, का चुनाव देखिए जरा कितना गहरा है लगता है कि या तो आपका ब्रेकअप हुआ उस जमाने में या तो आपको किसी पे क्रश था या <laughs> तो मोहब्बत हुई नहीं ये ब्रेकअप मोहब्बत क्रश ये सारी चीजें आपको तो इस दौर के हिस्से होते हैं इसकी नेमते होती है इसके तो यानी कि आप गुजरे वे तो, तो ये हर इंसान गुजरता है तो मैं भी इसमें से बस जल्दी जल्दी गुजर गया तो सच्ची मोहब्बत हुई या बस क्रश वाला जवाबी जवानी तो, में जी जी सच्ची मोहब्बत तो बेगम से है मुझे और क्यूँकी वो आ, देख रही है आपका शो। आ, नहीं वो ना भी देखती <laughs> उसको, वो ना भी देखती उसको पता है और इसीलिए वो मेरी बेगम है <laughs> तो ये मामला तो बेगम के लिए कभी आपने कोई डेडिकेट की है? बेगम को तो हमने कई दफा की है शायरी भी की है तोहफे भी डेडीकेट किए हैं बाहर डिनर और बहुत और पता किया बल्कि हम खुद डेडिकेट हुए बल्कि अच्छी बात है जो होता है जो लोग शायर होते हैं वो बहुत होते हैं पोलाइट होते हैं और रोमांटिक भी होते हैं तो अगर तो आप मैरिड हैं तो विच इज़ अ वंडरफुल थिंग तो फिर आप अपनी बीवी के साथ अपनी बीवी को तो बहुत खुश रखते होंगे आई मस्ट से बिल्कुल बिल्कुल तो उनको कभी आपने मनाया जब वो नाराज़ हुई हो हाँ एक तो उनको कभी मैं कोई उनको खाने पीने की कोई कलाम सुना दूं या तो हंस ठीक है ना तो इस तरह से वो मैं उनको कह दूं कि जैसे मेरी जानू मेरी जान मैं उनको मजाक से कब कहतू ना मेरी जानू बड़ी खुश होती हैं मेरी, है। मेरी जानू मेरी जान आगे मैं कहता हूँ खाए पांच सात डेली नान <laughs> और डाइटिंग को वो फौरन छोड़े <laughs> सामने आ जाए जबरान थीक, थीक, और पिज़े बर्गर चट करके वो पिज़े बर्गर चट करके वो कहे खिला दो मीठे पान वाँ वाँ तो वाँ वाँ। इस तरह उनको हाँ तो थोड़ा सा इस तरह करना पड़ता है अलका, मनाने के लिए तो ये बताएं आप उन तमाम मर्द हजरा को किस तरह समझाएंगे कि अगर उनकी बीवी नाराज हो जाए उनसे और शायराना तरीके में बेहतरीन तरीका कौन सा है मनाने का नहीं बेहतरीन तरीका तो शायराना तरीका देखिए हर बंदा शायरी नहीं कर सकता हर बंदा तो शायर शायरी करके नहीं मनाएगा कोई माजत करके मना लेगा शायराना तरीके से कैसे आह देखिए उसको उस, उसको अगर मैं कहूँगा मैं उस तरह से कि मैं जैसे मैंने एक ग़ज़ल में लिखा था ना कि इश्क़ के ताज़ा निसाबों सा हसी चेहरा है इश्क़ के ताज़ा निसाबों सा हसी चेहरा है हाय वो चेहरा गुलाबों सा हसी चेहरा वा, है वा, वा। उसकी आँखों को पढ़ूँ इतना पढ़ूँ हिव्ज़ करूँ उसकी आँखों को � इतना पढ़ू करूं वा, वा, मीर वा, 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 की मुझसे सा मुझे गालिब जैसा कह आप स्मार्टली प्ले करते हैं क्योंकि आप शायर है ना तो बच बचाव कर लेते हैं अपना शायराना तरीके से बस गुजारा हो ही जाता है अच्छी बात है तो कभी ये बताया आपकी बेगम कभी इनसिक्योर हुई जब आपकी शायरी पढ़ती है उस दौर की जब आप अनमेरिड थे और आपकी शायरी तो देख लें वैसे तो, तो, तो माशा तो की कि किसकी लिखी है नहीं वैसे तो वो सिक्योर ही रहती है बड़ी मुतमिन है अब सब ठीक हो गए शुरू शुरू में होता था खास तौर पे जब कभी मैं ऐसी को गजल लिख दूँ जिसमें थोड़ा सा दिल टूटने के असरा हो मोहब्बत हो अब पुराने दौर में तो इस तरह जैसे मैंने लिखा था कि तू इतना क्यों बदलता जा रहा है अब वो पूछती है जी कौन है जिसको आप कह रहे हैं कि तू इतना क्यों बदल जा रहा है कौन वाकई डराने वाले अल्फाज हैं तू इतना क्यों बदलता जा रहा है तेरा चेहरा उतरता जा रहा है तेरा दिल तो मोहब्बत का था पत्थर तेरा दिल तो मोहब्बत का था पत्थर सो ये पत्थर सिरकता जा रहा है wow! 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 वो मुझसे मिल रहा था अपना बनकर hmm. वो मुझसे मिल रहा था अपना बनकर ये दुश्मन दोस्त बनता जा रहा है वाह वाह वाह। तो यहाँ उनको थोड़ा तो, मुझसे पूछते हैं कि ये कौन है जो दोस्त तो बन आप रहा है क्या कहते हैं तो मैं कहता नहीं ये सिर्फ मैंने लिखा है यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया <laughs> आप ही मेरी दोस्त हैं। ये बताएं जब हम बात करते हैं आपके रेडियो पाकिस्तान के दौर जी जी आपने ये सफर कब शुरू किया और ये, इस पूरे सफ़र के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये एक रेडियो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मीडियम है सीखने के लिए और मुझे इस तरह याद है ये ग्रेजुएशन का दौर था मेरे कुछ दोस्त एक दो हाँ उन्होंने कहा यार हम ऑडिशन देने जा रहे हैं रेडियो पाकिस्तान पे छुट्टियाँ थी तो बस मैंने कहा ठीक है कहते मोटरसाइकिल तुम्हारे पास है तुम हमें लेके चलो मैंने कहा चलो चलते हैं दोस्त हैं दोस्ती दोस्तों के काम आते हैं तो मैं चला लेकिन जी मैं तो सिर्फ ड्राइवर था उनको पिक एंड ड्रॉप देने के लिए अच्छा मुझे मेरे जब वहां पहुंचा तो पता चला वहाँ पे कुछ ड्रामे की भी एडिशन हो रहे हैं और कुछ इस तरह की कंपेयरिंग के एडिशन हो रहे हैं तो खैर उन्होंने भी बात है ये ये ग्रेजुएशन के बाद की बात